हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, ये जो टॉयलेट का फ्लश है इसकी बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक इसे यूज नहीं किया क्योंकि न्यूली बिल्ट अप मकान है ये, अभी न्यूली बिल्ट अप हाउस है। और इसको देखेंगे क्या इसकी वर्किंग है, समझेंगे। तो सबसे पहले जो टैंकी से पानी आ रहा है यहाँ इस पाइप द्वारा इस फ्लश टैंक में जाता है। हालांकि जो हमारे मिस्त्री साहब थे उन्हें यहाँ पर एक वाल्व लगाना चाहिए था। अगर यहाँ एक वाल्व लगा दिया जाए तो कभी ये टैंक है ये ओवरफ्लो हो, खराब हो जाए, तो हम वाल्व द्वारा यहाँ से बंद कर सकते हैं, ये उस वाल्व का फायदा रहता है। लेकिन चलो अभी कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं लगाया तो ऊपर टैंकी है, जो पानी की टैंकी है वहां एक वाल्व लगा हुआ है, वहां से हम पानी को बंद कर लेंगे। इस फ्लश को खोलने के लिए ये देखेंगे साइड में, अलग अलग फ्लश में अलग अलग सिस्टम होता है, तो यहाँ पर देखेंगे ये लॉक है, इनको बाहर खींचेंगे। दूसरी साइड भी एक लॉक है, इनको बाहर निकालेंगे। अब हम यहां से इसे उठाएंगे तो ये इसका जो कैप है वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो सबसे पहले यहां देखिए एक जाली टाइप बना हुआ है, टैंक ओवरफ्लो होगा तो पानी यहां से निकलता है। ये लॉक है ऊपर का, ये दिया है, अब आप देखिए ये बाहर आ गया, पानी इसमें भरा हो और प्रेशर से ये बाहर नहीं रहे, कैप सही ढंग से लग जाए, इसके लिए इसको लगाया होता है और इसे हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ एक वैक्यूम बॉल है, जैसे ही इसमें पानी भरता है तो क्या होता है ये धीरे धीरे ऊपर उठती है। और अभी आपको मैं बताऊं, यहाँ पर देखिए ये जो पानी आ रहा है बाहर से, यहाँ बूंद बूंद पानी गिर रहा है अभी, जो ही इसमें पानी खाली होता है तो ये बॉल नीचे जाती है। देखिए जैसे ही इसको नीचे करते हैं तो यहाँ से पानी शुरू होता है, ये देखिए ये इस प्रकार से। यहाँ भी एक पाइप लगी होती है ताकि आवाज नहीं आए, पानी भरे तो इसमें आवाज, वो पाइप अंदर गिर चुकी है, ये देखिए निकालता हूँ ये वाली पाइप। यहाँ एक स्क्रू बना हुआ है, ये स्क्रू होता है एडजस्टमेंट के लिए, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया जा सकता है। जैसे ही हम इसको लूज करेंगे तो इसमें पानी ज़्यादा भरना शुरू हो जाएगा, और इसको टाइट करेंगे तो पानी देखिए बंद हो गया। तो ये क्या होता है स्क्रू, इसीलिए बस इसकी हाइट को एडजस्टमेंट करने के लिए होता है। जब हम फ्लश का ये नॉब है इसको यहाँ से प्रेस करते हैं तो क्या होगा, अंदर क्या ये जो रोड है आर्म है ये क्या करेगी, इसको ऊपर उठाएगी, देखिए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से उठता है और पानी अंदर जाता है, और जो ही पानी अंदर जाता है वैसे इसमें पानी वापस फिल होने लग जाता है, ये पानी इसमें वापस फिल अप कर रहा है। अभी इसमें पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, बॉल नीचे चली गई है, जो ही पानी भरेगा ये बॉल ऊपर आएगी और यहाँ से पानी बंद हो जाएगा, नीचे जाते ही शुरू हो जाएगा। अभी पहले यहाँ से पानी की सप्लाई कट करते हैं, टैंकी से वाल्व को बंद करके आता हूँ। यहाँ ये टैंकी का मेन वाल्व है, इसी को बंद कर देते हैं क्योंकि नीचे तो वाल्व बना नहीं रखा, लगा नहीं रखा है, थोड़ा बहुत पानी आ सकता है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इस स्क्रू को खोलते हैं, तो ये जो स्क्रू है इसको मैंने यहाँ से खोल दिया है और ये वाला नॉब है ये इस प्रकार से बाहर आ गया है। और अब हम इसको घुमा करके निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए नीचे आपको लॉक दिखेंगे, ये देखिए ये बाहर निकालता हूँ। आप देखेंगे कि कई बार मिट्टी धूल आ जाती है, उसको साफ कर लेना चाहिए इस जगह पे, ठीक है।
और ये यहाँ पर लॉक है, दो बने हुए, किसी में चार होते हैं किसी में दो होते हैं। और यहाँ ये रबड़ लगी हुई है एक, नीचे अलग से रख के दिखाता हूँ। तो हम इसको खोलते हैं, तो यहाँ से देखिए पहले इसको मैं खोल देता हूँ, ये इस प्रकार से अलग हो गया है। और अब इसको हम पूरा बाहर निकालते हैं, ये देखिए, ठीक है, यहाँ धूल मिट्टी होती है। ये रबड़ है वो थोड़ा इस प्रकार से सॉफ्ट होनी चाहिए। तो देखिए पानी है, ये यहाँ से इसमें जाता है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से एंटर होता है। और ये वाली जो पाइप मैंने पहले बताई, ये यहाँ इस प्रकार से ऊपर लगी होती है। और जिस प्रकार से फ्लश को ऊपर उठाते हैं तो क्या होगा, ये जो रबड़ है, ये वाली रबड़, ये यहाँ से उठ जाती है और पानी अंदर चला जाता है। तो ये तो हुआ इसका, अब हम इसे यहाँ से भी खोल लेते हैं। तो ये देखिए इसको भी हमने दिया है और ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ जो एक ये रबड़ लगी हुई है इसके अंदर आप देखेंगे ये वाली, ठीक है, तो यहाँ ये एक पिन लगी होती है, ये वाली पिन है, इसको जब दबाती है तो क्या होगा, पानी आना बंद हो जाता है। जैसे ये दबेगी पानी आना बंद, और जैसे ही उठेगी तो पानी शुरू हो रहेगा। ये रबड़ भी निकाल के बताता हूँ, ये देखिए इस प्रकार की यहाँ रबड़ है ये, और ये पानी अंदर से आता है, पाइप से आता है, टंकी जो बनी हुई है वहां से, ये जो ये पाइप यहाँ लगाते हैं इसके द्वारा, इसके अंदर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर, और इसमें भर के नीचे यहाँ पाइप द्वारा, ये वाली जो पाइप मैंने पहले बताई, ये यहाँ लगी होती है नीचे इस जगह पे, इस जगह पे। और ये वाली जो रबड़ अभी बताई, ये रबड़ क्या करेगी, जैसे इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये वाली रबड़ यहाँ बैठ जाएगी तो पानी बंद हो जाता है। इसको भी अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए धूल मिट्टी हो तो। अब हम इस रबड़ को वापिस लगाते हैं, तो अब हम इसको वापिस कसते हैं। इसको क्या करना होगा, यहाँ लगाना होगा, ठीक है, और यहाँ लगाने के बाद ये यहाँ लॉक बने हुए, ये भी आप देखें, तो यहाँ ये भी एक आपको देखना है इस जगह पे, इसमें कट बना हुआ है, ये वाला कट इसके सामने आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला कट यहाँ, इसको कसना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल रहे आपके लिए, ये इसलिए होता है ताकि ये जो वाल है, फ्लोटिंग बॉल है जो, ये सही ढंग से लग जाए। इसको थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से हिलाते हुए इसको हम टाइट कर देंगे। ओके, अब ये वाली जो आपको अभी मैंने बताया, इस पे प्रेशर पड़ता है तो अंदर जो रबड़ अभी आपको बताई उससे पानी आना बंद हो जाता है, ठीक है। ये जो यहां से भी निकल जाता है, खींच करके निकालना हो तो इस वाल्व को भी अलग कर सकते हैं। तो ये है इसका सारा फंक्शन। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो जब स्क्रू हम कसेंगे ना, तो क्या होगा, ये वाले वाल्व पे प्रेशर बढ़ेगा तो थोड़ा पहले ही जो फ्लश है उसमें पानी आना बंद हो जाता है। थोड़ा इसको लूज करेंगे तो थोड़ी देर बाद पानी आना बंद होगा। तो इस प्रकार ये जो स्क्रू है इससे हल्की फुल्की एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो अब हम ये कवर भी लगा देते हैं, और यहाँ नीचे देखना है, लॉक में बैठाने के बाद थोड़ा इसको घुमा देना है। इसको भी यहाँ कस देते हैं, ये वाला यहाँ लगा देते हैं, और इसको भी अंदर लगाने के बाद
ये अंदर एक स्क्रू इसके गिर गया था, ये वाला, इसको हम यहाँ पर कस देते हैं। जो जो पानी भर रहा है ये बाल ऊपर उठ रही है, और जब पानी एक निश्चित लेवल पे आ जाएगा तो ये बाल ऊपर उठ के यहाँ से पानी का फ्लो बंद कर देगी। इसको दबाते ही बंद हो जाता है पानी, तो बस यही फंक्शन है इसका। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें।